गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी गटकल की सब्जी। ये है सेंटेला। सेंटेला के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया है जो मेरे दूसरे चैनल में है, मेरा जो हेल्थ चैनल है उसमें है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एनीवे, तो ये है छोटा सा पोटैटो, छोटा सा आलू, ये है सेंटेला मतलब गटकल, जो लाल मिर्च और हरा मिर्च, इसके मैंने धो के रख लिया है ये गटकल को। मैं अब इसको काट लूँगी एकदम छोटा छोटा करके, और आलू को मैं चार पीस करके कुकर में बॉईल कर लूँगी। अच्छे से बॉईल करना है इसको। और ये देखिए, आप सिर्फ पत्ते भी ले सकते हैं इसका, गटकल का। मैंने इसका डंटी जो स्टेम्स है सारे ले लिए हैं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को फेंकना नहीं है, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो मैंने सारा चीज़ को ले लिया है, स्टेम्स भी ले लिए और पत्ते भी ले लिए। अब मैं इसको काट लेती हूँ और इसको बॉईल कर लेती हूँ। ये गटकल के पत्ते को मैंने काट के रख लिया है। अब ये आलू भी बॉईल हो चुका है, गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं अभी तेल डालने वाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ रेड चिली। अब इसमें रेड चिली डाली है इसलिए क्योंकि इसका जो रेड चिली हो चुका है, ये रेड चिली फ्राई हो चुका है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तेल में पका लूँगी सब्जी को। इसमें मुझे पहले ये गटकल के पत्ते डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी और टमाटर, ग्रीन चिली, इसको क्रश करके डालना है आपको। मैं चम्मच से क्रश कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, जिस तरह से हम लोग आलू चोखा बनाते हैं उस तरह से क्रश कर लेना है। और इसमें ज़्यादा मसाला कुछ डालना नहीं है, मैं इसको बिना प्याज लहसुन का ही बनाई हूँ। ये जो रेड चिली मैंने फ्राई करके रखा था, इसको आप क्रश करके इसको ऊपर डाल सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी आता है। अगर नहीं डालना चाहते हैं, रेड चिली आप नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, लेकिन वो तेल में जो पहले रेड चिली फ्राई किया उसी से वो फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं सब्जी को निकाल लेती हूँ। ये पैन में चढ़ाने के बाद ये सब्जी 5 से 6 मिनट में बन जाता है।